वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर जीएनएन न्यूज आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर खबर से आप रह सके अपडेट। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो कि सोच से भी बाहर है। हम आपको बता दें कि हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं, कि ऐसी हस्ती की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डॉक्टर सुनील कुमार बाकोलिया। डॉक्टर सुनील कुमार बाकोलिया विदेश के स्तर पर 222 से 223-25 तक अवार्ड हासिल कर चुके हैं, सम्मानित हो चुके हैं, और हमारे देश की अगर हम बात करें तो भारत के भी बहुत सारे अवार्ड वो हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर सुनील कुमार बाकोलिया अपने आप में बहुत बड़ी काबिले तारीफ एक हस्ती कह सकते हैं आप, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर के पद पर वो नौकरी भी कर रहे हैं, और इतना सम्मान पाने के बाद, दुनिया को इतना कुछ देने के बाद, लोगों को बीमारी से निजात देने के बाद, लोगों को बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाते हैं और अपने पार्ट टाइम में बहुत सारे काम करते हैं, तो ऐसे शख्स के साथ बहुत हो रही है जाती। आइए सुनते हैं उनके ही जुबानी के किस तरीके से उनके साथ जाती की जा रही है और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या काम किए हैं जो कि भारत के लिए उत्कृष्ट कार्यों में गिनती होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजौरी गार्डन में, जहां पर हम एक महान हस्ती से मिलने आए हैं। चूंकि आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्डर होल्डर और डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर सुनील कुमार बाकोलिया। अब हम सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश में सरकार ने बहुत सारी बातें सामने रखी, कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जहां हम बात करें, आज हम उसी विषय पर बात करने आए हैं डॉक्टर सुनील कुमार बाकोलिया जी से कि वो भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन खिसक जाती है पैरों के नीचे से जब पता लगता है कि हमारे संसार में, हमारे घर में, हम जहां नौकरी करते हैं वहां इतनी बड़ी परेशानियां क्रिएट होती हैं कि हम जिंदगी को जीने के लिए हमें जन्म दिया ऊपर वाले ने, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कारागार में डाल दिया है। चलो हम आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर सुनील कुमार बाकोलिया जी के पास, जो बताएंगे कि किस प्रकार से करते हैं वो काम। आइए हम सबसे पहले उनकी जानकारी लेते हैं कि वो कितने समय से समाज की सेवा कर रहे हैं और किस तरीके से वो समाज को दिखाते हैं आईना। नमस्कार, मैं 1988 से गरीब बच्चों को पढ़ाता आया हूँ। बापा नगर में एक धर्मशाला हुआ करती थी, गरीब बच्चों को मोहल्ले में इकट्ठा करके उनको किताबें देता था, उनको पढ़ाता था, आगे बढ़ाता था। आज मेरे बहुत सारे बच्चे, आज भी मैं राजस्थान में, अजमेर, जोधपुर, दिल्ली, मध्य प्रदेश में कई गरीब बच्चों को आज भी पढ़ा रहा हूँ, जो डिटेल मैंने फेसबुक पर भी कई जगह डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं उसको। ये बच्चों को जो पढ़ाते हैं आप, किस प्रकार से पढ़ाते हैं, कौन सी शिक्षा आप दे रहे हैं उनको? मैं उनको हर प्रकार की शिक्षा देता हूँ। लास्ट टाइम पर एक जो हमारा मेरा स्टूडेंट निकला था, उसको मोटिवेशनल क्लासेस देता था मैं, उसको पढ़ाता था। सचिन नाम का एक आईएएस अफसर बना मेरा, मुझे प्राउड है, और आने वाले टाइम पर, आने वाले बैच में भी एक दीपक नाम का बंदा आगे बढ़ेगा और वो भी आईएएस अफसर बनेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अवार्ड यहाँ पर रखे हुए हैं और हमने पता है कि आपने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी करते हैं, तो बताएं आपके किस प्रकार से कितने अवार्ड आपको मिले हुए हैं विश्व स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर? मुझे विश्व स्तर पर तकरीबन 222 के आसपास अवार्ड मिले हुए हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वाइकल ठीक करता हूँ, किसी से कोई पैसा नहीं लेता। मैं गरीब बच्चों को जो पढ़ाता हूँ, मैं उसके लिए भी किसी से कोई पैसा नहीं लेता। मैं जो इलाज करता हूँ कि 10-10 साल, 12-12 साल पुराने सर्वाइकल को 3 मिनट में ठीक करने का हुनर रखता हूँ, इसके लिए मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। मैंने शिक्षा देने के लिए मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है, मुझे एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है, और विश्व रिकॉर्ड के तो गिनती खैर बहुत कम बता रहा हूँ मैं, 222 से ज़्यादा हो गए। कल भी मुझे एक डॉक्टरेट की डिग्री मिली है विदेश के थ्रू। ये सीखने को मिलता है डॉक्टर सुनील कुमार बाकोलिया जी से कि जिन्होंने, जब हम अगर बात करें बचपन की, जब हम पढ़ाई करा करते थे उस समय कविता सुनी थी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, वीर तुम झुको नहीं, उस बात को पूरा करते नजर आ रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार बाकोलिया जी। लेकिन अब इस समय समस्याओं में घिरे हुए हैं डॉक्टर सुनील कुमार बाकोलिया जी, और इनकी समस्याएं वाकई में दिल को झिझोड़ने वाली हैं।
आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या है उनको समस्या, किस वजह से है वो परेशान। मैंने सुना था और मैं आज भी मानता हूं कि संविधान में सबको बराबर हक है शिक्षा पाने का, लेकिन मैंने मेरे उच्च अधिकारियों को लिख करके दिया कि मुझे शिक्षा चाहिए, तो जिनको मैं पहले लिख करके देता था उन्होंने मुझे MBA तक पढ़ने दिया, डबल MA मैंने किया, बार बार मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो बदले में मुझे मिलते हैं ये शोकाज़ नोटिस जिसमें शिनशोर धमकी दी जाती है मुझे कि भाई हम आपको सस्पेंड कर देंगे। ये ऐसे पढ़ाई होने के लिए, संविधान में कहाँ लिखा है कि पढ़ाई अगर आप करेंगे करना चाहते हैं तो आपको शोकाज़ नोटिस दिया जाएगा। एक सीनियर अधिकारी का कर्तव्य होता है कि उसको प्यार से समझाए, ना कि उसको धमका करके भगा दे। धमकी देते हैं कि हम आपको सस्पेंड कर देंगे और हालात उसके इस कदर कर देते हैं कि बंदे को अपना सारा सामान मुथूट जैसे के अंदर गिरवी रखना पड़ता है और बंदे के पास कुछ भी नहीं बचता रास्ता, फिर वो मजबूर होता है भ्रष्टाचार करने के लिए। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, मुझे मजबूर ना करें और मैं देश में भी जितना हो सकेगा भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। हम चाहेंगे सुनील कुमार बाकोलिया जी कि ये जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है सामने, इतनी सारी एप्लीकेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर, और आपने बताया कि मुथूट में आपने अपना सारा जेवर गिरवी रखा है, तो इन सारी समस्याओं की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से शुरू हो रही हैं, कौन से अधिकारी ऐसे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, और किन वजहों से कर रहे हैं? मेरे ही अपने अधिकारी हैं, मेरे से बड़ी रैंक के अधिकारी हैं। मैं लास्ट 14 जनवरी की बात बताता हूँ, 10:30 से 11 के बीच उन्होंने मेरा पर्सनल मोबाइल लिया, अपने पास रखने के बाद में उन्होंने शाम को मुझे डिमांड की कि आपको मोबाइल अगर वापस चाहिए तो आप सेवा पानी कर दीजिए। आज अगर आप कॉल डिटेल निकलवा करके देखते हैं मेरे नंबर 9212638786, इस नंबर की कॉल रिकॉर्ड 14 तारीख से 18 तारीख तक मेरे अधिकारी के पास रही है। अधिकारी को जब मैंने मोबाइल वापस मांगा तो मेरे से पैसे मांगे गए, पैसे मांगने के मैंने मेरे पैसे नहीं दिए, तब मुझे ये शोकाज़ नोटिस दिया गया सिंश्योर करने के लिए, ये धमकी दी गई कि हम आपको सिंश्योर कर देंगे, हम आपको धमकी दे देंगे। इस मजबूरी का बचाते हुए एक व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी का सहारा होता है, उस नौकरी को बचाने के लिए मैंने अपनी वाइफ को आज तक मंगलसूत्र नहीं पहनने दिया जब से ये गहने उसके अंदर रखे हुए हैं। ये प्रूफ है मेरे पास में इन चीजों का। मेरी वाइफ आज भी करवा चौथ के दिन मुझे टोकती है कि मेरा मंगलसूत्र कहाँ है। मैं बता के आता हूँ, मेरे सीनियर के लिए मैंने मंगलसूत्र को गिरवी रखा हुआ है। मैं बात करता हूँ कि राष्ट्रपति मेडल के लिए एप्लीकेशन देनी है, मैं राष्ट्रपति मेडल की आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ये ढेरों एप्लीकेशन मैंने लगाई है, ये सन 2006 से मैं सारी एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, और ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति मेडल मिला हुआ है जिसके ऊपर लड़कियों का केस चला हुआ है, जिसके ऊपर 6-7 सर्टिफिकेट हैं उसको मिला हुआ है, और मैं दावा देता हूं कि मेरी फाइल पूरे महकमे में सबसे ज्यादा मोटी फाइल होगी, फिर भी मेरी फाइल को दूर भगा दिया जाता है। मुझे लगता है कहीं तक इनकी मंशा खराब है, शायद भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, मुझसे डिमांड करने की कोशिश करते हैं कि कुछ देना चाहिए। जिस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिले हुए हैं, विश्व रिकॉर्ड बना रखा है, उस व्यक्ति को इतना परेशान करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक आम जनता या मेरा जो छोटा सा जवान होगा उसको यह कितना परेशान करते हैं, मैं समझ सकता हूं इन बातों को। ये बातें सारी आज से पहले नहीं थी, 22 मार्च 2013 को कॉन्फ्रेंस हॉल में कहा था कि अगर कोई है व्यक्ति जिसको अवार्ड मिलना चाहिए तो वो है सुनील कुमार बाकोलिया। आज तारीख है 16/11/2019 और आज की डेट में भी मुझे राष्ट्रपति मेडल की फाइल मेरी लौटा दी जाती है ये कहकर कि आपने टाइम से पहले लगा दी है या टाइम निकल चुका है। किस रैंक के ऑफिसर हैं वो लोग जो आपको बताते हैं कि आपकी फाइल लौटा दी गई है? रैंक के जो ऑफिस असिस्टेंट वगैरह होते हैं वही लोग फाइलों को वापस दे देते हैं, ऊपर डिस्कस करते हैं कि भाई इसकी फाइल नहीं ले जानी चाहिए। अभी हाल ही में मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ, एक व्यक्ति का मैंने भ्रष्टाचार पकड़ा जो अपनी हाजिरी लगा करके महीने भर भाग जाता था। उसकी ऑफिस में ड्यूटी होती थी DCP ऑफिस में शाहदरा की, वो आमद कराता था RI शाहदरा में और DCP ऑफिस शाहदरा के नाम की आमद कराता था। उस व्यक्ति ने एक फोटो दिखाई रोड पर खड़े हुए कांस्टेबल के साथ कि मैं ड्यूटी करता हूं। मेरे अधिकारी ने मेरी बिल्कुल भी ना सुनते हुए उस व्यक्ति का साथ दिया और मुझे लगता है कि पूरे महकमे में सबसे ज्यादा ट्रांसफर वाला व्यक्ति मैं ही हूं जिसका ट्रांसफर मिनट मिनट में 4-4, 6-6 महीने के अंदर कहीं भी भी कैसे भी कर दिया जाता है। मुझे ट्रांसफर का गम नहीं है, मुझे गम सिर्फ इस बात का है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार मैंने पकड़ा उस भ्रष्टाचार को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उस भ्रष्टाचार के लिए आप बोल नहीं रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विविधता में एकता, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो
इस समय आप चैनल पर हैं और दुनिया आपको देख रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी ये मैसेज पहुंचेगा, आप उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि सख्ती की जाए। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो सीनियर होता है उसके जूनियर से पूछा जाए कि वो कैसा काम करता है। सेम यही स्ट्रेटेजी विदेशों में चलती है, उसके बाद उसकी ACR भरी जाती है। सेम यही स्ट्रेटेजी इंडिया में भी करनी चाहिए कि अगर उसके सीनियर ने उसको प्रताड़ित किया है तो उसके सीनियर के बारे में लिख करके उसके उच्च अधिकारी को दिया जाए ताकि उसके ACR के नंबर कम किए जाएं। ये सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका होगा, यही विदेशों में चलता आया है। देखिए, विदेशी राजनीति जैसा आपने बताया है और वही अगर राजनीति यहाँ चले जैसा आपने बताया तो मैं समझता हूँ कि माहौल अच्छा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जैसा कि सरकार कहती है कि भिखारी मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अब तो जमाना बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। कल पॉल्यूशन की बात थी तो पता होगा कि 15 तारीख की प्रदूषण पर बैठक थी जिसमें 29 सांसद को बुलाया गया था, जिसमें 25 सांसद नहीं पहुंचे बैठक में, तो इस देश का दुर्भाग्य है। और इस देश के इस दुर्भाग्य में भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे डॉक्टर सुनील कुमार बकोलिया आज जो पूरे देश का नाम विदेशों में कर रहे हैं, आज वो प्रताड़ित हो रहे हैं इन अफसरों की वजह से, इन कुछ गुर्गों की वजह से, तो इन्हें रोका जाए। जनता देख रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के आपके ही राज में, भारत की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा काल पड़ रहा है कि लोग भ्रष्टाचार के प्रताड़ित हुए, परेशान हुए अपने घरों में बैठे हैं और आप देख नहीं रहे। देखिए, यहाँ पर एक बात और होती है कि बड़े हुए तो का हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो डॉक्टर सुनील कुमार बकोलिया जी से मैं यही कहूँगा कि आप हिम्मत रखिए और संघर्ष कीजिए, क्योंकि कहा गया है ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। बिल्कुल, मैं आखिरी में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, इसके अगला जो मेरा इंटरव्यू होगा उसमें मैं आपको ऐसी चीज़ें, ऐसे एविडेंस देना चाहूँगा जिसमें हमें प्रताड़ित करके गलत टाइप की हाजिरी लगाई जाती है, गलत टाइप से लोगों को परेशान किया जाता है और हमें, हम लोगों से बोला जाता है कि आप पैसे वसूलने की कोशिश करिए। ये काम हमसे नहीं होगा, हम एकजुट होंगे, कोई हो नहीं हो, मुझे पता है मेरे साथ ही सुन रहे होंगे और इस इंटरव्यू के बाद में शायद मेरे सीनियर मेरे पर दबाव देने की कोशिश करेंगे। मुझे जहां तक लगता है कि ट्रांसफर मेरा 6-6 महीने में हुआ, कुछ लोग 7-7 साल से एक ही पोस्ट पर बैठे हुए हैं, क्या लालच है उनका? क्या सीनियर को नहीं दिख रहा? या जो सीनियर 7 साल से बैठा हुआ उसको नहीं दिख रहा? या मुझे परेशान करने की एक आदत पड़ी हुई है? तो मैं अगले इंटरव्यू में आपके सामने वो चीजें ला करके दूंगा जिसको देख करके इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इनको यह पता लगेगा कितना भ्रष्टाचार कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार बकोलिया जी। हमें उम्मीद है कि सरकार आपका साथ देगी और जहां भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा लगाने वाली सरकार इस विषय पर जरूर अपना ध्यान भी देगी और इस पर कार्य भी करेगी। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज दिल्ली। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए GNN न्यूज के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।